मेरे साथ में स्कूल ट्रांसपोर्ट एक का यूनियन के रामचंद्र भाई हैं। तो राम भाई ये बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आए थे और आपको क्या अंदर से क्या मतलब आश्वासन मिला है? मुद्दे दासू जी, जब भी कोई भी नया अधिकारी आता है, एक मीटिंग हो जाती है, उसका एक ही जवाब होता है कि जो आपने डिमांड कर रखी ना, उसका नया फ्रेश लेटर मुझे दे दो। आज तक हमें नहीं समझ जमा लिया कि कितने लेटर हम यहाँ दे चुके। जो भी अधिकारी आएगा वो नहीं, दोबारा बना के ला के दे दो। इसका मकसद था कि ये हल नहीं करना चाहते थे मुद्दे। कल एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया, दिल्ली सरकार के हाथ में दे दिया अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग। पहले क्या कहा जाता था, कोई भी मुद्दा हम उठाते थे, सरकार को गुहार लगाते थे, तो वो एक ही बात कहते, एलजी नहीं करने दे रहे काम को, ये अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। अब आज सिर्फ इतना बोलेंगे हम, अब सरकार के पास मौका है, अधिकारी आपके अंडर में आ चुके हैं, अब भी आपने काम नहीं किया तो अगली बार यह उम्मीद मत रखना कोई वोट देगा। अब तक बहानेबाजी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की सरकार चलाई, अब काम करने का टाइम आ गया, अब अधिकारी आपके अंडर में आ गए। अब इसके एक साल बाद में क्या कहोगे अगर ये काम नहीं हो पाए? हमारी मांगों को लेकर पिछले जो 1 अगस्त को हड़ताल हुई उसको लेकर हर रोज सरकार ने पर्चे भरवाए अखबारों के अंदर, लेकिन काम क्या हुआ? आज भी नील बैठे हुए हैं। 2017 से हमें गाड़ियां नहीं मिल रही, लेकिन आज भी सरकार हमारी सोई हुई है। छोटा सा काम है, 2 घंटे अधिकारी मेरे साथ बिठा दो और ये कह दो कि जो ये कह रहा है वो कर दो, लीगल रूप से सरकार को राजस्व मिलेगा जो हम मांग कर रहे हैं, लेकिन यह करने की इच्छा नहीं है। पिछली बार अगस्त में जब आपने हड़ताल करी थी, आपने डिमांड करी थी जो प्राइवेट गाड़ियां स्कूल में लगी हुई हैं, या तो उनको कमर्शियल गाड़ी के नए गाड़ी लेने के उनको इजाजत दी जाए, या फिर जिनके पास जो गाड़ियां हैं उनको कमर्शियल में तब्दील करा जाए। तो आपको आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही हम इस पे कुछ ना कुछ हल निकालेंगे और जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां उनको कमर्शियल हम करवाएंगे। एक मैं मांग क्यों की गई थी, आपने देखा होगा हर चीज एग्रीगेट पॉलिसी के अंडर में लागन कंपनी राज स्थापित केजरीवाल साहब कर रहे, जैसे DTC को खत्म करके क्लस्टर ला दिया, जैसे अपनी हर मोहल्ले के अंदर में एक टैक्सी स्टैंड होता था उसके जगह ओला उबर ला दिया, अब ऑटो को भी खत्म कर रहे हैं, उसके लिए भी एक एग्रीगेट पॉलिसी ला रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ षड्यंत्र करने की तैयारी की जा रही थी। नई गाड़ियां तो थी नहीं, पुरानी जो हमारे पास प्राइवेट चलानी पड़ी मजबूरी में, नई गाड़ी नहीं है, वो जो चल रही थी वो स्कूलों से हटवाई जा रही थी, दबाव बना के स्कूलों के अंदर हमारा रोजगार छिन रहा था। जब हमने सरकार को कही दिया कि आप हमारी प्राइवेट को कमर्शियल कर दो, नई गाड़ी आप हमने नहीं दे रहे तो हम कहाँ जाए, अपने बच्चों को कैसे पाले, रोजगार देने के आपने वादे किए थे, कितने रोजगार दिए दिल्ली सरकार बताए, वो मांग की कर रहे थे हम। फिर इन्होंने आश्वासन दिया कि जी आपकी मांग जायज है। आप परिवहन मंत्री जी का ट्विटर हैंडल देख लो उठा के, उसमें लिखा हुआ स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन की जो भी जायज मांगे थी हमने मान ली गई। एक तो बता दो जायज कुछ तो होगी, 10 मांगों में से एक तो जायज होगी जब मंत्री जी ने लिखा था, आपने क्या किया? अब फिर अगस्त होने का आया, 1 साल बीत गया, बस पेपर भरवाए, एडवर्टाइजमेंट की, चेहरा चमकाया, यही होता रहा। जब पूछा तो ये कह दिया अधिकारी हमारे अंडर में नहीं, ये नहीं। जब आप अपने लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी एलजी साहब के घर बैठ सकते हो जाग धरने पे, तो हम आम जनता जिनने वोट देकर बनाए, क्यों नहीं कहा हमें आप चलो भैया एलजी आपका काम नहीं करने दे रहे, एलजी के घर के बाहर जाग बैठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में एलजी साहब की भी सैलरी यहीं से तो जा रही है, हमारी आम जनता की जेब से ही, मुख्यमंत्री की भी सैलरी है और जो भी उनके ऊपर खर्चा आ रहा है हमारी जेब से जा रहा है, जब हमारा ही पेट खाली होगा तो उनको हम क्यों पसंद करेंगे? बिल्कुल, ये समस्या आ रही है। हर बार अधिकारी नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहा, जितनी बार भी सरकार से संपर्क किया यही जवाब आया, वो नहीं करने दे रहा, ये नहीं कर, आरोप प्रत्यारोप से सरकार अब तक चलती रही ये 7-8 साल जो भी पूरे किए। अब सरकार के पास एक गोल्डन चांस है साबित करने का, खुद मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तक हम कुछ करके दिखाएंगे, उम्मीद तो कर ही लेते, उम्मीद पे जिंदा हद तक हम। अब अंदर आपको क्या आश्वासन मिला है, जो आपकी मांग थी कि हमें जो हमारी जो प्राइवेट गाड़ी है उनको कमर्शियल में तब्दील किया जाए, तो अंदर से क्या आश्वासन में अधिकारी भी आज भी बच रहे, वो यहाँ का बोल दिया जी ये तो VIU के अंडर में आता है, जैसे एक स्पीड गवर्नर का मैं आपको बताऊं, आज भी स्पीड गवर्नर के टाटा कंपनी में 2500 रुपए लिए जा रहे हैं, पुलिस भी मिली हुई है कंप्लेंट करने का, सरकारी ऑर्डर है, मैं सरकारी ऑर्डर का वायलेशन कर दूंगा, मुझे उठा के बंद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको क्यों नहीं करते? टाटा कंपनी आज भी 2500 रुपए ले रहे स्पीड गवर्नर का, जबकि 500 रुपए रेट है सरकार ने, ये जब इनको 500 रुपए देना चाहिए। जब हमने अधिकारियों को इसके बारे में कहा जी नहीं हमारे अंडर में नहीं आता, आपने किस अधिकार से वो लेटर जारी किया 500 रुपए का जब आपके अंडर में नहीं आता?
मतलब अधिकारी आज भी झूठ बोल रहे ना, इन अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने का गोल्डन चांस में फिर कहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी के हाथ में दे दिया। कल वो कह भी रहे थे बड़े लेवल पर हम तबादले करेंगे, हमें तबादले और उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है भैया हमारा काम करवाओ, जो हमारे फंसे हुए डेली की कम से कम 300-400 गाड़ी तो वीआईयू झुलझुली में होती है पास, अब आप लगा लो 300-400 गाड़ी का जो 500 रुपए जाना चाहिए वो हर रोज का आपका 2500 रुपए जा रहा है, 2000 रुपए एक गाड़ी पे एक्स्ट्रा जा रहा है, कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चार गुना ये जा आ रहा है, कौन जम कर रहा है, इतना बड़ा पेट किसका हो रखा है, क्यों नहीं छापेमारी हो रही इनके ऊपर, ये नहीं चला सकते तो हमें दे दो भैया, हमारी जो काम है ये रिन्यूअल के हमें दे दो, नहीं तो जरूरत क्या है उनकी, आज भी गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है वो हमारी गाड़ी की स्पीड चेक होती है, पिछली बार हमने स्पीड बंधी हुई, आपका काम ही नहीं है आप सर्टिफिकेट चेक करने का, आप हमारी गाड़ी चेक कर लो, हमारी स्पीड बंधी हुई है तो जरूरत क्या, नहीं बंधी हुई हमारी गाड़ी फेल कर दो निकाल दो बाहर, जेन्युइन बात है, आप चेक भी कर रहे हो सर्टिफिकेट भी मंगवा रहे हो, किस लिए मंगवा रहे हो। तो अच्छा आप जो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं जो स्कूल में जुड़े हुए हैं जो स्कूल ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलाते हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ की मीटिंग के बारे में कि हम आप यहाँ पे आए तो आगे क्या उनको आश्वासन देंगे आप? अधिकारियों ने भी अनिल चिकारा जी को मार्क किया है, एक बार उनसे मिलो इस विषय में, देखते हैं उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा कोई मैं आज भी फिलहाल की मीटिंग के बावजूद भी निराशा ही आती लगी, क्योंकि अधिकारी वो होता है हाँ ये मेरी समझ में आ गया और मैं अभी ऑर्डर दूंगा, चार अधिकारियों को बुलाता वो होता है अधिकारी, ये तो लीपा पोती होती है जो कह दिया हाँ मैं इसको कर दिया उसको कर दिया ये कर दिया, ये तो एक टाइम तरकाने वाली बात है बिल्कुल ना, तो अभी इसको स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन वालों को कोई संतुष्टि मिली है ना ही किशन वर्मा जी को यहाँ पे किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिली है, दोनों जनों को अभी यही कहा है कि आप भी एक दो दिन में कुछ अपने पॉइंट है वो लिख के लाइए या फिर आप किसी दूसरे अधिकारी से मिलिए, ऐसा इनको जवाब मिला, लेकिन अभी किसी चीज की ऐसा नहीं है कि कोई काम किसी ने किया हो, तो यहाँ आने का अभी फिलहाल तो कोई इनको फायदा दिखता, नया अधिकारी आते यही करता है कि नए लिख लो नए लिख लो, बोरी भरी पड़ी है।